अभी मैं भूतनी लग रही हूँ क्योंकि तू भूतनी है, टाइम हो रहा है तू भूतनी साढ़े है बारह इसलिए लग रही है, तू है भूतनी इसलिए लग रही है भूतनी। मन कर रहा है मौसमी का जूस पीने का और फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा और मोटू बना के लाएंगे एंड मैं जा रही हूँ उनको कंपनी देने। कल संडे है तो आंखें तो हो रही है नींद वाली बट कोई बात नहीं, जग लेते हैं थोड़ा सा। चार ज्यादा है मोटू, आप नहीं पी रहे ना? चाकू भी ऐसा लिया है बुट्ठा वाला, बुट्ठा नहीं है तो बुट्टी है। ये मैं काट देती हूँ, आप इसको ये करने का काम करो। व्लॉग बन कर लेगा छोटिया, अब इसमें दम जो लगता है वो लगता है? लगाओ वो लगा, देखो तुम तो उंगलियों से कर रहे हो। मेरे तो अब तक हाथ दर्द कर रहा है, दो दिन पहले निकाला हुआ जूस। करो ढंग से दम लगाया, फिर मत बोलो मशीन तोड़ दे। ये बस। ये लास्ट थी मौसमी और मोटू ने एडी से लेकर चोटे तक का जोर लगा रखा है इस पे। ये चार मौसमी है और इससे दो ग्लास भर जाएंगे कांच के फ्रेश फ्रेश मौसमी का जूस। ये चीयर्स, टाइम देखो गाइस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 9:30। मोटा लड़का अभी भी जस्ट उठा है, मतलब आँख खोली अभी तो उठा तो क्या ही है। ये होता है प्रेगनेंसी में पति की सेवा, जैसे सुंदर बच्चा पैदा होता है ना मोटे। वैसे पीटने से पहले तो जिम करते हैं, उसके बाद ये हालत हो जाती है। Hey, good morning guys. मैं उठ गया हूँ। ये आप मेरी उंगली देख रहे हो ना, इस पे ये देखो, यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये स्किन देखो। पहले मुझे लग रहा था ये जो डैमेजेस हैं ये जिम की वजह से है ना स्किन में, पर एक्चुअली इनमें से कुछ स्किन के जो डैमेज है वो जिम की वजह से, और जो बाकी के डैमेज है ये शायद मुझे कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या कुछ हो गया उसकी वजह से। मैं पिछले कुछ दिनों से एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा रहा हूँ अपने हाथों पे ताकि ये सही हो जाए, लेकिन उसका कुछ खास असर आ नहीं रहा है। आज शायद मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा, उसको दिखाऊँगा या फिर किसी से बात करते हैं, लेकिन आज मेरा आज मैंने मतलब ये तय कर लिया है कि इसका इलाज आज करवाना है। हाय छोटू। हेलो दोस्तों, मैंने गुड मॉर्निंग आपसे कर ही ली है और आज है संडे, आज मोटे को काम में लिया जाएगा। सामने वाले कर्टन ये वाले कर्टन उतार के धोने हैं, खिड़कियां साफ करनी है। बाय द वे मैंने गुड मॉर्निंग तुम्हें नहीं बोला था, मैंने गुड मॉर्निंग मेरे बेबी को बोला। गुड मॉर्निंग छोटू। गुड मॉर्निंग डैडी। तो गरीब पर मेरे घर में ऑलरेडी एक छोटा बच्चा है, अभी अंगड़ाई लेते लेते नीचे गिरते गिरते बचा है लड़का। फिर खुद ही चिल्लाता है अंगड़ाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ। यार क्या कार्टून है मोटे, संडे ही तो मिलता है अंगड़ाई तोड़ने में। 15 मिनट तक अंगड़ाई तोड़ सकता है लड़का, वो भी एक हिस्से की, आधा हिस्सा पहले आधा हिस्सा। डायमंड कहाँ से लाते हो? मसल माइंड कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा, एक 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 टिश्यू को फील करता। वैसे हम टाइम पास ही कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बैठे हैं मजे कर रहे हैं। और ये मोटू की एक नई टी शर्ट थी जिसको मैं काट पीट के अपनी साइज और अपनी शेप की बना रही हूँ। मेरे को पसंद है ये सब करना। अभी दिन के 1 बज रहे और अभी तक जूस डिग्री में ही है और अंकित अभी भी से बात कर रहे हैं। गुड न्यूज, ज्योत्सना दीदी आने वाली है, सफाई हो जाएगी, मुझे नहीं करनी पड़ेगी, बाकी मेरा दिल धक धक हो रहा था कि संडे है मेरे को करनी पड़ेगी सफाई। और अभी हम लोग पर्दे उतारने वाले हैं, लास्ट टाइम यहाँ के जो पर्दे वो सारे हो गए थे, अब बाहर के जो हॉल के पर्दे ना दोनों साइड के जो बाहर वाला गेट है वो और जो बालकनी वाला गेट है वो उनके पर्दे उतारेंगे। मिशन पर्दे उतारो स्टार्ट हो चुका है और मोटे की हाइट कम पड़ रही है। खिड़कियों की सफाई अंदर की तरफ से मैं कर चुका हूँ, बाहर की तरफ से अंकिता कर रही है, और वहाँ की जो भी आपको खिड़कियाँ दिख रही है कांच की सारी लकड़ी की वो सारी खिड़कियाँ मैंने साफ की। सो गाइस, मेरे बाल थोड़े चंपू से लग रहे हैं क्योंकि मैंने खुद को ही चंपी की है, मेरी बीवी तो मैं चंपी करती है नहीं, दाढ़ी में मैंने तेल भी लगाया तो इसलिए थोड़ी बिखरी भी हो रही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर जूस पीने, छोटू का बहुत ज़्यादा मन था घर में रहने का तो मैंने उसको थोड़ा फोर्स किया कि नहीं अपन बाहर जाएंगे, तो तुम्हारा थोड़ा मूड चेंज होगा, तो मैं उसको भी बाहर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा जूस पिलाते हैं, जिस जूस के नाम पे वो शेक देगा क्योंकि उसके पास जूस होता है नहीं, क्योंकि वो क्या करता है वो आइसक्रीम मिलाता है, उसके पास फ्रूट होते ही नहीं, उसे आइसक्रीम में डालता है। वो बात मुझे पता है, छोटू को नहीं पता, मैं छोटू को बताऊंगा भी नहीं, मेरे पास था तो भी इसको पता नहीं लगेगा क्योंकि छोटू मेरा थोड़ा बोड़ा है। और देखो अभी यहाँ पे सारी खिड़कियाँ सब कुछ खुल रहा है, कितना शानदार लगता है।
आजा आजा। हम लोग वॉक पे जा रहे हैं और ये लड़का है आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये वाला मंदिर हमारे घर के एकदम बगल है और यहाँ पे जो देवी देवता मतलब हमारे मन में थे कि उनके दर्शन हम रोज करें, वो सारे देवी देवता यहाँ है, स्थापित है और अभी तक हमको पता भी नहीं था इस बारे में। यहाँ लड्डू गोपाल जी भी हैं, शिव जी भी हैं, राधा कृष्ण। Hi kitty cat. Hi. Hello. लोग राजमा लेने के लिए मार्केट में आए हुए हैं और मेरे साथ आई हुई अंकिता भी बाहर, बहुत दिनों बाद ये मार्केट में पैदल आ रही है। लास्ट टाइम हम लोग पैदल निकले थे राखी से पहले एक बार दीदी आई थी उस वक्त। घर आ गए और बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ। ये लड़का क्या करता है, कपड़े चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो।